टॉक अबाउट मून अंतरदशा एंड जुपिटर महादशा, बृहस्पति की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा। इसका समय कार्यकाल होता है 1 साल 4 महीने का। तो जब बात चंद्रमा की आए तो यह मन और मस्तिष्क का कारक माना जाता है। तो यहाँ पर यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा स्ट्रांग है, अच्छी स्थिति में है, तो यह आपको अच्छे कामों की तरफ लेकर जाएगा। आपका मन और मस्तिष्क अच्छे जगह पर लेकर जाएगा, मतलब बुरे कामों से आपको कौशल दूर रखेगा, बुरे कामों से आपको बचा कर रखेगा। हर तरह से परिस्थितियां जो है आपके फेवर में होने वाली है। ईश्वर से आपका जुड़ाव होगा, धर्म कर्म के कामों में आपकी रुचि होगी, रिलीजियस थॉट्स आपके मन में आएंगे और कहा जा सकता है कि चैरिटेबल थॉट्स भी आपके मन में घर करेंगे, मतलब अच्छे कामों की और नेक कामों की और आपका मन जो है अग्रसर होगा। हमेशा आपका मन अच्छे कामों की ओर ही जाएगा, बुरे कामों से आपको बचा कर रखेगा। और इसके अलावा अगर सुख समृद्धि की बात की जाए, संतान सुख की बात की जाए, विवाह आदि की बात की जाए, और अगर आपके जीवन में क्रिएटिविटी लेवल की बात की जाए और या फिर इंटेलेक्चुअल लेवल की बात की जाए, तो हर तरह से जो यहाँ पर सारे प्रॉस्पेक्ट्स के हिसाब से जो स्थिति है वह आपके हित में होने वाली है। यह दशा ऐसी है, यह समय कार्यकाल ऐसा है, हर तरह से स्थिति आपके पक्ष में जोड़कर देखी जा सकती है। मतलब खुद ब खुद ऐसी कंडीशंस क्रिएट होंगी कि आपके काम जो भी आप सोचेंगे तो वो होते चले जाएंगे। जैसे भी आपके मन में आएगा, मतलब अच्छे डिसीजन आपके मन में आएंगे, आप खुद ब खुद अच्छे डिसीजन मेकर बनेंगे और ऐसे लोग आपसे जुड़ेंगे जो कि बहुत ही अच्छे स्वभाव के होंगे और आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। और जो भी आप करेंगे आपके फायदे में होगा, चाहे तो बिजनेस की बात करें, अच्छे इनकम सोर्सेज की बात करें, सुख समृद्धि की बात करें, अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज आपके हित में आएंगे। मतलब आपके रास्ते ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल क्लियर कि जो भी आपको मौके मिलेंगे वो बहुत ही अच्छे मिलेंगे। गुड अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में क्रिएट होने वाली है इस समय कार्यकाल के दौरान। तो यह समय कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बिल्कुल आपके हित में होने वाला है इस स्थिति के दौरान, इस योग के दौरान। तो क्योंकि बृहस्पति ग्रह की बात करें तो बृहस्पति ग्रह कहीं ना कहीं मन और मस्तिष्क में ऑप्टिमिज्म भरता है, आशा की किरण भरता है, इसलिए कुल मिलाकर स्थिति जो है आपके पक्ष में होने वाली है। वहीं इसकी एडवर्स साइड की अगर हम बात कर लें तो एडवर्स साइड में क्या देख सकते हैं कि ये सारी कंडीशंस बिल्कुल उल्टी देखने को मिलेंगी, बिल्कुल विपरीत देखने को मिलेंगी। लेकिन तब जब आपके कुंडली में आपके होरोस्कोप में जो चंद्रमा है, मून है, वो वीक होगा, कमजोर होगा, शनि के साथ बैठा होगा, या फिर इसकी जो स्थिति है 6 और 8 भाव की है, या फिर जो महादशा लॉर्ड से अंतरदशा लॉर्ड की जो डिस्टेंस है वो दूरी है, या फिर उसका संबंध 6, 8 और 12 का है, या फिर 2 और 7 का संबंध है, तो यहाँ पर स्थिति जो है थोड़ी कष्टकारी मानकर देखी जा सकती है। तो इस कष्टकारी स्थिति के दौरान आपके मन में कहीं ना कहीं से बुरे थॉट्स आ सकते हैं, नेगेटिव फ्लेवर्स आ सकते हैं, नेगेटिव फ्लेवर्स आपके मन में घर कर सकते हैं। यदि आप किसी चीज़ के बारे में चिंता कर रहे हैं तो वो चिंता ही करते रहेंगे, मतलब किसी के बारे में भी आप सोचने लग गए हैं तो वो आप सोचते ही चले जाएंगे, मतलब बुरे ख्याल आपके मन में घर करेंगे ही करेंगे। देखिए, ये जो समय है किसी न किसी तरीके से आपकी मदर की हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर आपके परिवार में किसी भी पारिवारिक सदस्य की जन्म कुंडली में हॉरोस्कोप में अगर ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है तो वो कहीं ना कहीं आपके पारिवारिक सदस्यों के लाइफ पे भी इफेक्ट करते ही करते हैं। तो इसलिए यह स्थिति जो है आपकी मदर की हेल्थ के ऊपर भी इफेक्टिव है। तो यहाँ आपको कदम है जो फूंक कर रखना है। ऐसी कंडीशन में आप क्या करें, देखिए तो अच्छा होगा, बेहतर होगा कि आप अपने होरोस्कोप को किसी एक्सपर्ट को जरूर दिखा लें अच्छे समय पर, ठीक समय पर, ताकि आपको समस्याओं से रूबरू ना होना पड़े और जो अच्छे रिजल्ट्स हैं कहीं अच्छे मौके आपके हाथ से छूट ना जाए। तो सही समय का सही समय पर इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो विपताओं से आप कौशल दूर रहेंगे। तो हमारी यही कामना है प्रभु के आगे, ईश्वर के आगे, कि आप इसी तरह से मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और अपनी खुशियां जो हैं इर्द गिर्द फैलाते रहें और बटोरते रहें। और अब मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, नमस्कार।